जी लिया मैंने, शुक्र है मरने से पहले जी लिया मैंने। तकरीबन वो सब कुछ कर लिया जो रह गया था। अब मुझे इस मौत पर कोई गम है ना कोई दुख। मैं तो कहती हूँ सबको ऐसे ही जीना चाहिए जैसे मैंने जिया है। जिंदा हूँ, अभी तो जिंदा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक तो वक्त पूरा हो गया है, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा, ठीक होंगी मैं। रियाना, मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि टेस्ट के रिजल्ट ठीक नहीं है। आपकी बीमारी ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया। कितने दिन बाकी है मेरे लिए? कुछ दिन, शायद एक दो हफ्ते। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पता था मुझे, पता था मेरे पास वक्त बाकी नहीं बचा। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुमने मुझे सारी जिंदगी इस आसरे में रखा कि मोहब्बत का इजहार करोगे और आखिर में नहीं कर सके। काश मुझ में ही इतनी हिम्मत होती कि तुमसे कह सकती मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। न जाने तुम अब इस दुनिया में भी होगे या नहीं, और वो मेरा पुराना मोहल्ला वो अब कैसा होगा जहाँ से मेरा बचपन से लड़कपन तक का सफर गुजरा। तुमने जब अपना घर कहीं और बसाया तो मैंने भी अम्मा अब्बा की मर्जी के मुताबिक अशफाक से शादी कर ली। काश मैं तुमसे कह सकती जो हिम्मत तुमने नहीं की, काश मैं कर सकती। वैसे अब भी क्या बिगड़ा है, क्यों ना मैं अब तुमसे कह दूं, क्यों ना मैं वो सारे काम अब कर लूं जो मुझे पहले कर लेना चाहिए थे। मरते वक्त कम से कम अफसोस तो नहीं होगा। अपनी जुबानी हर चेहरा है।